क्या बोला था, गोली मार देंगे कपाल में, कुछ दिन तो गुजारो बिहार में। किसने मेरे को अभी यही बोला था, किसने मेरे को यही बोला था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अजयम सुमित ब्लॉग्स में। मैं हूँ सुमित और आज के ब्लॉग में अजरा नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं इस समय दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पे हूँ। मुझे कहीं एक जगह जाना है, ट्रैवल करना है और कुछ काम से मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जाने की मेरी जो यात्रा है वो हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अकेले यात्रा कर रहा हूँ और देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। बीन लॉन्ग टाइम टू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो, और मतलब बहुत दिन बाद मैंने किया है कोविड के टाइम पर। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई और भी है जो इंतजार कर रहा है, लेकिन उस ट्रेन अलग है, मेन ट्रेन अलग है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया हूँ और अभी मेरी ट्रेन है यहाँ से, और जा कहाँ रहा हूँ रास्ते में पता चलेगा। ये एक नया रैंप बना है यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जिससे आप मेट्रो से निकल के सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। तो अच्छा बनाया, बट यहाँ से अंदर जब एंट्री लोगे तो मतलब मिलाई है, और मतलब उसमें काफ़ी आपका समय इधर से बचा हुआ यहाँ पूरा हो गया। और जिसकी ट्रेन है उसके लिए परेशानी है कि इमीडिएट अभी उसको जाना है। पूरी सब लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो, तो हम आपको बिना लाइन के ले जाएंगे। बस जो SMS में प्लेटफॉर्म आया था कि यहाँ मेरी ट्रेन मिलेगी एक नंबर, वहाँ मैं गया, वहाँ नहीं मिली। उसके बाद अनाउंसमेंट से पता चला कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, तो हमें पूरा घूम के वापस आना पड़ रहा है। ये है मेरी ट्रेन, ये वाली ट्रेन अभी 9 नंबर पे मुझे मिली है। तो SMS में गलत क्यों इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसा प्रॉब्लम दे देंगे इंडियन में। आप लोग ट्रेन का नाम देख के समझ गए होंगे कि मैं पटना जा रहा हूँ, और पहली बार पटना जा रहा हूँ। कई बार ऐसा शेड्यूल हुआ कि मुझे बिहार की राजधानी पटना जाना है, लेकिन नहीं जा पाया, बट आज जा रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर एक लड़की मिल गई है। हाय स्नेहा। हेलो। ये स्नेहा है, और स्नेहा मेरी क्लासमेट की IMC में, सीनियर जर्नलिस्ट, और ये भी पटना जा रही है ना। कितने साल में मिले हम लोग? चार पाँच साल तो हो गया। और ऐसे ही देखो, दुनिया बहुत छोटी सी है ना, घूम फिर के कहीं ट्रेन में प्लेन में। मदद करने वाला है क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन टिकट, इसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। कोई नहीं, हम एक सीट पे मैनेज कर सकते हैं। सो जाना तुम आधी बार, थोड़ी देर तुम सो जाना, थोड़ी देर में। हाँ, महिलाओं को हम लोग एकदम प्रायोरिटी पे रखेंगे। नहीं चाहिए नहीं, अब कम से कम कार्ड ही खेल दो।
ये तो दोस्त के नाते सब चीनी लेगी, तो मैं कम से कम अपना कार्ड खेल दूं। बट वी आर वेरी हैप्पी इतने दिन बाद मिले हम लोग, बिना प्लान के। प्लान करते तो साल होने, नहीं प्लान तो बहुत बार हुए हैं आई एम सेंस के, बट वो तो कामयाब हो नहीं पाते, कोई गारंटी नहीं। ऐसा रैंडम निकल जाओ कहीं कोई टकरा जाएगा। दूसरी सही है, मैं तो पटना जा रहा हूँ और कई और भी लोग हैं, बट मैं इस ट्रेन में अकेला ही जा रहा हूँ। मतलब स्नेहा मुझे मिल गई, पहले से मुझे नहीं पता था सीट कौन सो, और वहाँ कई लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे मैं मिलने वाला हूँ। अलग डी टी यू की कौन कौन है। सफ़र अभी तक का काफ़ी अच्छा है। नहीं मजा आ रहा है तुम्हें? कितना मजा आ रहा है? इसके बेचारी का टिकट नहीं बना अभी तो। देख लो तो दादी 100 रुपए मांग रहे, जबकि कल कैंसिल किया उसके पैसे कटे हैं उससे पहले कैंसिल किया। रेलवे ने तुम्हारा कितना पैसा? 7000 अभी भी रेलवे के पास। और भी खाना चाह रहे थे तुम्हारा पैसा नहीं, बट वो 7000 में से कुछ वापस आ जाएगा। फाइन करना चाह रहा हूँ, मतलब जो टिकट का फेयर होता है वो लेते हैं, कन्फर्म नहीं हुआ तो लाइक सीज विदाउट। मैंने सोचा चलो कम से कम 5000 का भी होता है तो देखते हैं पैसा वैसा मंगवा लो। संपूर्ण क्रांति में 12 वेटिंग आया था, 10, 2, 12। तो अगर आप लोग अधिकारी बन गए तो क्या करोगे? तुम किसी और का टिकट कन्फर्म करो। ये लोग जो है बिहार में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर है और वो पेपर देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये ट्रेन भरी हुई है स्टूडेंट्स से। उनको स्टूडेंट्स कहें कि कैंडिडेट कहें कि स्टूडेंट्स कहें, ये देखो जुगाड़ से कंफर्म करा है इसने, है ना? बिहार में ऐसा ही होता है, जुगाड़ जुगाड़ पूरा खाना बना सकते हैं। जुगाड़ से प्रधानमंत्री बन गए लोग, बताओ जुगाड़ से। तो सबसे मस्त मुझे तरीका लगा था, वो सारे मजदूर जो रात में दिन भर काम वो करके आते हैं, रात में खाना बनाते हैं, तो उनके पास ना बस एक वाला बर्तन होता है पतीला और एक रोटी सेकने वाला, वो नहीं भी हुआ तो भी चले, उसी में भात उसी में दाल और रोटी ऐसे ठोकर सेक लिया। तो मतलब तो कहीं भी जा सकते हो, कोई बर्डन नहीं है, बट उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। सो इट्स बेड टाइम नाउ और स्नेहा अभी किसी के साथ बैठी हुई है, मैं अभी सोने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 बज गए हैं और सुबह ये ट्रेन हमको पहुँचाएगी 4:45 के आसपास। रात के 2:30 बज गए हैं, मुगलसराय स्टेशन पहुँचे और कुछ नींद नहीं आ रही, हम लोग पटना पहुँच गए और रात तो ऐसी ही थी, आई वाज अनएबल टू स्लीप बट समहाउ वी मैनेज्ड। चल लो लड़की बिहार में आगे, क्या बोला था, गोली मार देंगे कपाल में, कुछ दिन तो गुजारो बिहार में। इसने मेरे को अभी यही बोला था, इसने मेरे को अभी यही बोला था। पहुंच
मैं पटना स्टेशन पे पहुंच गया हूँ पटना में, और देखो मुझे कौन मिले, डॉक्टर जितेंद्र मीना, जाना पहचाना नाम, और आज ऐसे जाने पहचाने बहुत सारे नाम मिलने वाले हैं। कैसा रहा सफर? बहुत शानदार था। नींद आई थी? अच्छे से। मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आई। आधा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि सब लोग जो है एक दूसरे को बोल करके सो रहे थे कि भाई जब पटना आ जाए तब उठा देना। सब ने अलार्म लगाया और सब जो है अपने अपने रिलेटिव्स को भी, मतलब जो भी करीबी थे उनको फ़ोन करके भी बोल देते कि भाई देखो ऐसा है पटना आ जाए तो उठा देना, लेकिन किसी को कॉल नहीं आया वापस। मुझे भी नहीं आया। ठीक है, लेकिन मैंने सबको उठाया। मैं सोया नहीं दरअसल, मैं आधा घंटा सोया था, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। लेकिन फिर भी आप हमारे मथे पे ये बोझ मढ़ रहे हैं कि इस देश की हालत की जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग पीड़ित हैं, हम उसका शिकार हैं उस व्यवस्था का, हमें उसका पूरा का पूरा तंत्र का सब कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी भी हमारी कि दलित पिछड़ों ने हम लोग वोट दे दिया, वो इनको सत्ता में ले आए, इसलिए हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है। तो ये नैरेटिव भी मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। तो हमारा प्रोग्राम हो गया और लक्ष्मण जीतू ने बहुत अच्छा भाषण दिया। अरे सुमित के साथ अच्छा, हम लोग इनकी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हम लोग का म्यूचुअल होता है, हम एक दूसरे की तारीफ करके प्रोत्साहित करते हैं। नहीं बट दोनों का बहुत अच्छा था, सबका अच्छा था। बाकी साथी हैं सब लोग, अभी हम लोग अच्छा बहुत अच्छा किया। हमारा लोग है उसके लिए भी है, परवल के साथी हैं सुबोध जी, तीन भाई हैं ये लोग। अच्छा तो ये तीनों लोग
कैसे हो? तीनों लोग की मम्मी, तीनों लोग की मम्मी सगी बहन है। अरे वाह। और ये सब लोग जगदेव बाबू की जमीन से है, अरवल से। और सुबोध जी के बारे में अभी कैमरा पे इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, बात बताएंगे। बहुत बहुत मजबूत आदमी, काफी मजा आ रहा है। मैं पहली बार पटना आया था, तुम ही पहली बार आए हो ना? हाँ हाँ, बट अगली बार थोड़ा समय लेके आएंगे, ताकि अगली बार सुबोध जी के यहाँ आएंगे अरवल में। और बाबा साहब का स्टैचू है, बहुत खूबसूरत। बाय बाय भाई। इधर ब्राह्मण भूमि और सामाजिक मंच। तो अभी लक्ष्मण चला गया एयरपोर्ट पे, उसकी फ्लाइट है। मैं और जीतू जा रहे हैं ट्रेन से, हमारी ट्रेन है और मेरी टिकट कंफर्म नहीं है। तो मेरी वाली कंफर्म, लेकिन हम लोग एडजस्ट करेंगे, कुछ जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। आज के व्लॉग में इतने ही, साथ बिहार यात्रा, पटना यात्रा बहुत मेरे लिए अच्छी रही, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।